हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त निर्मिता शानी एंड आप सभी को मेरे चैनल शानी स्टार पर बुक में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की हिस्ट्री की चैप्टर 2, जिसका नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ी मैथ रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग बहुत इजीली इस चैप्टर के इस टॉपिक के बारे में आप लोग बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो फ्रेंड्स, प्लीज आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर एक मैप क्रिएट करी हूँ। प्लीज आप लोग ड्रॉइंग पर मन जाइए, ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए, यहाँ पर है मेसोपोटामिया। आप लोग सब प्लीज बोर्ड पर ध्यान दें, यहाँ पर है मेसोपोटामिया, ठीक है फ्रेंड्स? उसके ऊपर है टिग्रिस रिवर, ठीक है, और मेसोपोटामिया की नीचे है यूफ्रेटिस रिवर। अब टिग्रिस रिवर के ऊपर है जाइग्रिस पर्वत, और यहाँ पर जो मेसोपोटामिया है फ्रेंड्स, उसकी वेस्टर्न साइड पर आप लोग देखिए, यहाँ पर है सीरिया, ठीक है फ्रेंड्स? और उसके थोड़ा ऊपर है टर्की। मैं अभी बता दूं कि मैं एक क्यों आप लोगों को बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए, और ये जो टोटल एरिया है, ये सब एरिया ईरान के अंडर पड़ती है, ठीक है? और यहाँ पर है सऊदी अरब और यहाँ पर है इराक, ठीक है फ्रेंड्स? अब चलिए, अब हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे एक्चुअली मेसोपोटामिया की जो जियोग्राफी है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा इसकी जियोग्राफिक लोकेशन जो है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि मेसोपोटामिया, मैंने यहाँ पर लिखी है, आप लोग सब बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मेसोपोटामिया इज नोन एज फर्टाइल क्रिसेंट, यानी मेसोपोटामिया को एक फर्टाइल क्रिसेंट कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं, नाउ इज रेफर टू एज इराक, यानी ये जो मेसोपोटामिया जो एरिया है, ये प्रेजेंट टाइम पर इराक के अंडर पड़ती है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं, मेसोपोटामिया जो लैंड है, ये किस एरिया के अंडर है? ये है लैंड बिटवीन टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर। हम लोगों ने तो पहले ही, मैंने आप लोगों को बोला कि जो मेसोपोटामिया है वो टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के बीच में पड़ता है। अब फ्रेंड्स, आप थोड़ा और मैप आप लोग देखिए कि प्रेजेंट टाइम पर क्या क्या चीजें हैं। तो फ्रेंड्स, जो रीजियन है, ये रीजियन ब्रॉडली डिफाइंड है, किस किस एरिया को लेके मेसोपोटामिया कहा जाता है? मेसोपोटामिया कहा जाता है इराक, ईस्टर्न सीरिया, साउथ एंड ईस्ट टर्की, यानी ये जो तीन एरिया है, मैंने इसीलिए ये मैप को क्रिएट किया है, ताकि आप लोग बहुत इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सको कि कौन कौन एरिया लेके मेसोपोटामिया कहा जाता है। तो कौन कौन एरिया? इराक की एरिया, और है ईस्टर्न सीरिया, यानी ये जो सीरिया है फ्रेंड्स, इसकी ईस्टर्न पार्ट को, ठीक है? और उसके साथ साथ जो सदर्न ईस्टर्न जो पार्ट है टर्की के, यानी जो सदर्न ईस्टर्न, यानी ये जो एरिया है, ठीक है फ्रेंड्स, ये तीन एरिया को लेके मेसोपोटामिया कहा जाता है, ठीक है? अब हम लोग क्या देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूफ्रेटिस एंड जग्रीस, यानी जो दी वेस्टर्न पार्ट है, यानी ये जो जग्रीस पर्वत है, इस पर्वत की जो दी वेस्टर्न पार्ट है, और जो यूफ्रेटिस रिवर है, इसकी भी जो दी वेस्टर्न पार्ट है, यानी जो पश्चिमी हिस्सा है, जग्रीस पर्वत, आई होप कि मैं ठीक प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, जग्रीस पर्वत, और उसके साथ जो यूफ्रेटिस रिवर है, इसकी जो पश्चिमी हिस्सा है, इस ये टोटल हिस्सा भी इस एरिया के अंदर है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मेसोपोटामिया तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन जियोग्राफिकली एक्चुअली मेसोपोटामिया कौन कौन रीजियन को बोलते हैं? तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा इराक और ईस्टर्न सीरिया, यानी इराक, ईस्टर्न सीरिया,
सीरिया, सीरिया की ईस्टर्न पार्ट और सदर्न ईस्टर्न टर्की, सदर्न और ईस्टर्न टर्की, उसके साथ साथ जाग्रीस पर्वत की पश्चिमी हिस्सा और उसके साथ जो यूफ्रेटिस रिवर है इसका भी वेस्टर्न पार्ट, इस सब मिला के हम लोग एक साथ बोलते हैं मेसोपोटामिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है थोड़ा सा इसको डिस्कस करने के लिए मैंने ये मैप क्लियर किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आपकी चैप्टर में क्या है। तो फ्रेंड्स, मैंने एक क्यों आप लोगों को पढ़ाया, ताकि आप लोग मैप के साथ अच्छे से अपनी बुक की जो टॉपिक है उसको कनेक्ट कर सको, ताकि आप लोग जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तब आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वहां पर अगर कोई मैप रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो तब आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से टैकल कर सको। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं इसे रिमूव करती हूँ और अब हम लोग हमारी जो बुक में जो चैप्टर है उस पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मेसोपोटामिया के बारे में और भी थोड़ी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं और उसके साथ साथ हम लोग मेसोपोटामिया की जो लोकेशन थी, यानी नॉर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, साउथर्न पार्ट, ये सब जो पार्ट, ये सब जो दीप है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम लोग मेसोपोटामिया को दो डिवीजन में डिवाइड करें, एक है अपर मेसोपोटामिया और एक है लोअर मेसोपोटामिया। तो अब हम देखते हैं कि अपर मेसोपोटामिया के अंदर कौन कौन सी एरिया पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं क्या अपर मेसोपोटामिया को क्या बोलती है, अपर मेसोपोटामिया को बोला जाता है नॉर्दर्न मेसोपोटामिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपर मेसोपोटामिया को क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न मेसोपोटामिया। इसकी जो सोर्स है वो कहां से कहां तक है, वो है यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर से शुरू होके बगदाद तक, यानी इसकी जो एरिया है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, वो है टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर से शुरू होके बगदाद तक। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन हुई इस मेसोपोटामिया के जो रीजन में, तो हम लोगों ने क्या देखा कि इस अपर मेसोपोटामिया की जो एरिया है यहाँ पर से न्यूमरस रिमेन्स मिले हैं हैबिटेशन की, यानी हम लोगों को ये जाने एक्सकैवेशन के बाद कि अपर मेसोपोटामिया की ये जो रीजन है यहाँ पर पहले बहुत सारे लोग रहते थे। कैसे हम लोगों को पता चला, हम लोगों को पता चला क्योंकि यहाँ पर से न्यूमरस रिमेन्स मिले हैं हैबिटेशन के। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि लोअर मेसोपोटामिया कौन कौन सी एरिया लेके है। लोअर मेसोपोटामिया है फ्रॉम बगदाद टू पर्शियन गल्फ। हम लोगों ने पहले ही मैप देखा था कि पर्शियन गल्फ कहाँ पर है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो कि मैंने एक्चुअली क्यों मैप को दिखाया था पहले। तो अब लोअर मेसोपोटामिया कौन कौन से एरिया लेके है, लोअर मेसोपोटामिया है बगदाद से शुरू होके पर्शियन गल्फ तक। अब इसकी लोकेशन कहाँ पर है, हम लोगों ने तो देख लिया कि बगदाद से शुरू होके पर्शियन गल्फ तक है जो एरिया है उसको हम लोग लोअर मेसोपोटामिया बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल रीजन कहाँ पर है, एक्चुअल रीजन है फ्रेंड लोकेटेड इन दी एलुवियल प्लेन ऑफ इराक। इराक में एलुवियल जो प्लेन है इराक की उसको लोअर मेसोपोटामिया बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली वो है कहाँ, वो है फ्रॉम हेमालयन पर्वत से साउथ पेनिनसुला। आई होप कि मैं ठीक प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, प्लीज आप लोग देख लेना। तो कहाँ है, इराक की जो हेमालयन पर्वत है वहां पर से जो साउथ पेनिनसुला है नियर पर्शियन गल्फ तक, ये जो टोटल एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर मेसोपोटामिया। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मेसोपोटामिया की जो लोकेशन है वो आप लोगों ने समझ लिया है। तो अब हम लोग देखते हैं आपके बुक में क्या दिया हुआ है। तो आपके बुक में क्या है, आपके बुक में दिया हुआ है जो इराक है ये जो रीजन है ये है लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरमेंट, यानी जो इराक है इराक
ऊपर, ऐसे नीचे, ऐसे ऊपर, इसको अंडुलेटिंग कहते हैं। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये है ग्रीन अंडुलेटिंग प्लेन, इसके साथ है ट्री कवर पर्वत है यानी माउंटेन ट्री कवर है, और उसके साथ क्या है क्लियर स्ट्रीम है यानी यहाँ पर से जो नदियां बहती है उसकी पानी बहुत साफ है, तो क्लियर स्ट्रीम है। उसके साथ साथ है इनफ रेनफॉल यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा यानी ठीक ठाक रेनफॉल होती है टू ग्रो क्रॉप यानी एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो जैसी जैसी एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, तो वो इराक की नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है वो उसी तरीके से है। तो इसलिए यहाँ पर कब एग्रीकल्चर बिगन हुई थी बिटवीन 7000 to 6000 BC यानी जो 7000 से 6000 BC पहले यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑलरेडी बिगन हो चुका था। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पहले मेसोपोटामिया की जो एक्चुअल मैप है वो हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा अगर हम लोग मेसोपोटामिया को दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक है अपर पार्ट एक है लोअर पार्ट। अपर पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न मेसोपोटामिया जो है यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर से शुरू होके बगदाद तक, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो एरिया है यहाँ पर जब एक्सप्लोरेशन किया गया था आर्कियोलॉजिकल, तो यहाँ से बहुत सारी हैबिटेशन के रिमेंट्स मिले थे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जो लोअर मेसोपोटामिया है वो कहाँ है, वो है बगदाद से पर्शियन गल्फ तक, और एक्चुअल लोकेशन कहाँ पर है वो है हैमरिन पर्वत से फाओ पेनिनसुला जो पर्शियन गल्फ के नियर है वहां तक एरिया है लोअर मेसोपोटामिया। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो इराक है ये बहुत ही डाइवर्स एनवायरनमेंट की एक लैंड है। यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी है, अंडुलेटिंग प्लेन है, बहुत सारे ट्री कवर पर्वत है, उसके साथ साथ यहाँ पर क्लियर स्ट्रीम है और इनफ रेनफॉल भी यहाँ पर होती है। तो इसके लिए ये जो एरिया है ये बहुत ही फर्टाइल है क्रॉप उगाने के लिए टू ग्रो क्रॉप। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी लगभग 7000 से 6000 साल पहले। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हम लोगों ने जाना कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कैसी थी, अब हम लोग और भी इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं इसे रिमूव कर देती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग थोड़ा इराक की नॉर्दर्न पार्ट को लेके डिस्कस करते हैं। तो नॉर्दर्न पार्ट को क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न पार्ट को बोला जाता है स्ट्रेच ऑफ अपलैंड, और इसको इन वर्ड में इसे कहते हैं स्टेपी। तो स्टेपी किसे कहते हैं फ्रेंड्स, स्टेपी कहते हैं ए वास्ट ग्रासलैंड एरिया को यानी जहाँ पर ट्रीज कम उगती है उसके बदले में ज्यादा ग्रास उगती है, तो उस एरिया को हम लोग स्टेपी बोलेंगे। और आपके बुक में जो स्टेपीज के बारे में बोला गया है वो है मिडिल ईस्ट स्टेपी के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि मिडिल ईस्ट स्टेपी कौन कौन एरिया लेके होती है। तो फ्रेंड्स प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए, मिडिल ईस्ट स्टेपी होती है सीरिया इराक और दी वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ ईरान यानी ईरान की जो दी वेस्टर्न बॉर्डर इसको लेके और उसके साथ साथ सीरिया और इराक को लेके स्टेपी बोला जाता है और वो है मिडिल ईस्ट स्टेपी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उस समय के लोग क्या करते थे, उस समय के लोग यहाँ पर ज्यादातर एनिमल हंटिंग करते थे। क्यों करते थे, एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर यहाँ के लोग एनिमल हंटिंग से क्यों करते थे, क्योंकि फ्रेंड्स इस एरिया में ज्यादातर जो स्टेपी एरिया है यहाँ पर ज्यादातर जो ग्रास उगते थे तो वो एनिमल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही हेल्पफुल होती थी। तो इसके लिए अगर कोई पीपल एग्रीकल्चर के बदले में अगर एनिमल हंटिंग करते थे तो वो लोग ज्यादा बेनिफिशियर होते थे। तो इसके लिए इस एरिया के लोग अपने साथ एग्रीकल्चर नहीं करके उसके बदले में एनिमल हंटिंग करते थे। तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, आफ्टर दी विंटर एंड रेन्स सीप गोट्स फीड ऑन ग्रासेस यानी हम लोग तो सब देखते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पर ग्रासेस ज्यादा उगते थे, तो इसके लिए जो विंटर से
गोट्स को ले जाते थे ताकि वो लोग इसे खा सके। तो फ्रेंड्स ये है नॉर्दर्न पार्ट की डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे ईस्टर्न पार्ट के बारे में। ईस्टर्न पार्ट में क्या बोला गया है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ द टिग्रिस। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस प्रोवाइड रूट ऑफ कम्युनिकेशन कहाँ, माउंटेन ऑफ ईरान, यानी ईरान की जो पर्वत है वहां पर एक रूट क्रिएट करते थे। कौन करते थे, ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस, यानी टिग्रिस से जो रिवर निकलती थी वो एक रूट प्रोवाइड करते थे कहाँ पर, ईस्टर्न पार्ट पर। वो कहाँ आके मिलती थी, वो मिलती थी ईरान की जो पर्वत एरिया है वहां पर। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे सदर्न एरिया के बारे में। तो सदर्न एरिया जो है वो स्पेशली डेजर्ट एरिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग देख पा रहे हो। तो जो सदर्न एरिया है वो स्पेशली डेजर्ट एरिया है, और ये जो डेजर्ट एरिया है यहाँ पर से ही फर्स्ट सिटीज और लाइटिंग इमर्ज हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं सदर्न जो पार्ट है वो स्पेशली डेजर्ट एरिया है। लेकिन उसके बाद भी ये जो डेजर्ट एरिया यहाँ पर बोला गया है, लेकिन इसके साथ हम लोग जो अक्सर जो डेजर्ट एरिया जो हम लोग जो समझते हैं कि डेजर्ट एरिया किसको बोला जाता है, हम लोग क्या देखते हैं फ्रेंड्स, डेजर्ट एरिया मीन्स बहुत ही रुखी सूखी एरिया होगी जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं है और वहां पर कोई भी एग्रीकल्चर टाइप कुछ भी नहीं होता है, तो हम लोग उसे डेजर्ट कहते हैं। लेकिन ये जो एरिया है वो उतना रुखी सूखी नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है डेजर्ट फूड सपोर्ट सिटीज। क्यों सपोर्ट करती थी फ्रेंड्स, तो ये इसलिए सपोर्ट करती थी कि जो टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर थी जो नॉर्दर्न पार्ट से जिसका उत्पत्ति होती थी, वो उसके साथ क्या क्या लेके आते थे, कैलिस लोड ऑफ सिल्क, यानी कि जो फाइन मार्ड होती है वो जब नॉर्दर्न पार्ट से जो टिग्रिस और यूफ्रेटिस जो रिवर होती थी वो अपने साथ ये जो फाइन जो मर्ड होती है वो अपने साथ लेके आते थे। कब लेके आते थे, वो लेके आते थे जब फ्लड होती थी। और फ्रेंड्स जब हम लोग, तो आप लोग शायद ज्योग्राफी में पढ़े ही होंगे कि रिवर के बारे में हम लोग क्या देखे हैं कि रिवर जब अपर एरिया से लोअर एरिया में जाते हैं तो रिवर अपने साथ बहुत सारी सिल्ट और जो फाइन मार्ड होती है वो अपने साथ लेके जाते हैं, और जब लोअर एरिया में आके नदी मिलती है तो वहां पर वो जो सिल्ट जो जो अपने साथ वो लेके आते हैं वो उस लोअर एरिया में रह जाता है और वहां पर एक फर्टाइल लैंड बन जाता है। तो वही सेम चीज ये जो डेजर्ट एरिया क्यों सपोर्ट करती थी इस सिटीज को, क्योंकि ये जो सिटीज थी सिटीज का लोकेशन ऐसी थी जहाँ पर यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर जब नॉर्दर्न पार्ट से वो उसका जो उत्पत्ति होती थी वो अपने साथ बहुत बहुत सारी लोड्स ऑफ सिल्ट लेके आती थी। कब, जब फ्लड होती थी, और जब वो ये सब लेके आती थी तब वहाँ पर बहुत सालों से वो जब सिल्ट जमा होते होते वहाँ पर एक फर्टाइल एरिया बन गई थी। तो इसके लिए सदर्न पार्ट जो डेजर्ट एरिया थी वो उतना भी रुकी सुखी नहीं थी। तो फ्रेंड्स ये है पूरा टॉपिक, अब हम लोग देखते हैं उसके बाद क्या लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं कि जब टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर जो नॉर्दर्न पार्ट से निकल के जो लोअर पार्ट पर आई वो जो डेजर्ट एरिया के पास आई, यानी कि इराक की जो सदर्न पार्ट में जो डेजर्ट एरिया है वहां पर जब आई तो ऐसा क्या हुआ कि वो जो डेजर्ट एरिया है वो इतनी फर्टाइल हो गई, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा यूफ्रेटिस हैज एंटर्ड इन डेजर्ट एरिया, यानी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि इराक की जो सदर्न पार्ट है वहां पर वो डेजर्ट एरिया का डेजर्ट एरिया होने के बावजूद वो इतनी रुखी सुखी एरिया नहीं है। अब हम लोग जानेंगे कि क्यों नहीं है, क्योंकि जो यूफ्रेटिस रिवर है वो इस डेजर्ट एरिया में एंटर करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इट्स वाटर फ्लोज आउट इनटू चैनल्स,
यानी इसकी जो वाटर है वो चैनल्स में फ्लोज आउट हो जाती है और दिस चैनल्स फ्लड देयर बैंक्स, यानी कि ये जो चैनल है जहाँ पर यूफ्रेटिस रिवर की वाटर फ्लोज आउट होती है वो जो चैनल है वो जो बैंक है यानी वो उसके आसपास जो रिवर बैंक है वो उस जगह पर फ्लड ले आती है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इन द पास्ट दे फंक्शन एज इरिगेशन कैनल्स, यानी पहले ये जो चैनल्स थी ये काम करती थी एज ए इरिगेशन कैनल के तौर पर। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला फ्रेंड्स, इससे हम लोगों को पता चला कि जो सदर एरिया है वो डेजर्ट होने के बाद भी वहां पर बहुत सारी पानी आके जमा होता है और उसके साथ साथ जो नदी है, नदी अपने साथ साथ बहुत सारी डेब्रिस को ले आते हैं। जब वो डेब्रिस ले आएंगे तो वो डेब्रिस हम लोग जानते हैं कि नदी अपने साथ जो डेब्रिस लेके आते हैं वो बहुत ही फर्टाइल होती है। तो इससे हम लोगों को हम लोग कैसे क्या जाने, हम लोग जाने कि जो डेब्रिस ले आती है रिवर अपने साथ वो बहुत ही फर्टाइल होती है और उसके साथ रिवर यहाँ पर खुद आती है, यहाँ पर खुद फ्लोज होती है। तो जब यहाँ पर फ्लोज होएगी कोई भी रिवर तो यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं होगी। तो इसके लिए ये जो डेजर्ट एरिया है, ये डेजर्ट होने के बावजूद इस एरिया बहुत ही फर्टाइल है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग क्या देखते हैं एग्रीकल्चर के तौर पर यहाँ पर क्या क्या उगती है, यहाँ पर वीट, बार्ली, पीस एटसेट्रा यहाँ पर उगाया जाता है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि सदर्न मेसोपोटामिया दैट वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव इवन दो रीजन डिड नॉट सफिशियंट रेनफॉल। तो फ्रेंड्स हम लोग तो जान ही गए कि क्यों ये जो सदर्न मेसोपोटामिया जो एरिया थी वो इतनी प्रोडक्टिव और इतनी फर्टाइल क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर जो रिवर आती थी वो डायरेक्टली यहाँ पर एंटर करती थी और उसके साथ रिवर अपने साथ बहुत सारी फर्टाइल डेब्रिस लेके यहाँ पर जमा करती थी। तो इसके लिए ये एरिया में सफिशियंट रेनफॉल नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद ये एरिया बहुत फर्टाइल थी। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेसोपोटामियन सीप गोट एटसेट्रा प्रोड्यूस मीट मिल्क वूल इन अबंडेंस, यानी कि हम लोग देखते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सीप गोट्स होती थी वो बहुत ही अबंडेंस में मीट मिल्क वूल ये सब प्रोड्यूस करती थी। क्यों प्रोड्यूस करती थी, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो रीजन थी वो जो नॉर्दर्न पार्ट थी वो बहुत ही अनब्रीडिंग थी और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि उस एरिया पे एग्रीकल्चर के अगर पीपल एग्रीकल्चर ना करके एनिमल हार्डिंग करते थे तो वहां पर वो लोग बहुत ही फायदेमंद होते थे। क्यों होते थे फ्रेंड्स, क्योंकि वो जो स्टेपी एरिया थी वहां पर बहुत ज्यादा ग्रास उगती थी। तो इसके लिए मेसोपोटामिया की जो सीप बोर्ड्स होती थी वो बहुत ही प्रोटीन पाके बहुत ही क्या मैं बोलूं प्रोडक्टिव हो गई थी। तो इसके लिए वो जो प्रोड्यूस करती थी अपनी मीट मिल्क वूल वो बहुत ही एबंडेंस में होती थी। तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, फिश वाज अवेलेबल, यानी उस समय के लोग फिश भी खाते थे। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ये पूरा टॉपिक कंप्लीट किया, हम लोगों ने क्या देखा कि मेसोपोटामिया की जियोग्राफिकल लोकेशन कैसी थी। फ्रेंड्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है, बहुत एडवांस से सब कुछ बोला है। तो फ्रेंड्स प्लीज आप लोग इस वीडियो को फिर से देखना ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्बनाइजेशन। तो फ्रेंड्स उससे पहले हम लोग इसे रिमूव कर लेते हैं। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्बनिज्म, यानी जो मेसोपोटामिया थी वो अर्बन क्यों थी, मेसोपोटामियन जो कल्चर थी वो अर्बन क्यों थी। फ्रेंड्स इसे हम लोग बहुत शॉर्ट भी बताएंगे कि हम लोग क्या समझते हैं कि अर्बन किस एरिया को बोला जाता है, यानी हम लोग जो बोलते हैं जो सिटी टाउन
डाउन एटसेट्रा, ये सब जब हम लोग जब बोलते हैं तो इसे हम लोग क्यों आर वन बोलते हैं फ्रेंड्स? आर वन इसके लिए बोलते हैं कि फ्रेंड्स आर वन मीन्स सिर्फ ए एरिया नहीं है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, नहीं इसे हम लोग आर वन नहीं कहेंगे। आर वन हम तभी बोलेंगे जब एक एरिया प्रॉपरली डेवलप होगी, वो हर एक दिक से डेवलप होगी, यानी कि वहां पर जो उसकी जो रोड होगी वो बहुत ही प्रॉपरली मेंटेन होगी, वहां पर जो वहां के जो लोग थे लोग रहेंगे वो भी प्रॉपरली डेवलप होगी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे कि क्यों मेसोपोटामिया की जो कल्चर थी उसको हम लोग आर्वन कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या देखते हैं, आर्वन हम लोग किसे कहते हैं, सिटीज प्लस टाउन नॉट जस्ट ए प्लेस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, यानी जो सिटी और जो टाउन है वहां पर अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे रहेंगे तो उसे हम लोग आर्वन नहीं कहेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि आर्वन क्यों हम लोग कहेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जो अर्बन एरिया होगी वहां पर इकोनॉमी बहुत ही डेवलप होगी और इंस्पायर क्या होगी, द अदर देन फूड प्रोडक्शन, यानी कि वहां पर सिर्फ एक फूड प्रोडक्शन के ऊपर ही ध्यान नहीं देके बहुत और भी बहुत सारे एरिया पर ध्यान दिया जाएगा ताकि उस एरिया में इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, दी अर्बन इकोनॉमी मींस, अर्बन इकोनॉमी हम लोग कहां कैसे किसको कहेंगे, सॉरी फ्रेंड्स मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है आप लोग तो जानते ही हो। तो अर्बन इकोनॉमी हम लोग किसे कहेंगे, हम लोग कहेंगे जहां पर फूड प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, उसके बाद ट्रेड अच्छी हो, मैन्युफैक्चर अच्छी हो, सर्विस अच्छी हो, एक सब कुछ मिला के जब एक इकोनॉमी डेवलप करेगी तब हम लोग उसे अर्बन इकोनॉमी बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर मार्क ऑफ अर्बन लाइफ, यानी जो मेसोपोटामिया की जो मेसोपोटामियन जो कल्चर थी वहां की जो सभ्यता थी वो एक अर्बन सभ्यता थी, क्योंकि वहां पर इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुई थी, वहां के लोग सिर्फ फूड प्रोडक्शन के ऊपर ही ध्यान नहीं देते थे, उसके साथ साथ वो लोग ट्रेड मैन्युफैक्चर और सर्विस के ऊपर भी ध्यान देते थे। तो इस समय हम लोग क्या देख पाते हैं कि यहाँ पर जो लेबर की जो मार्क डिविजन हुई थी, यानी कौन किस डिविजन में काम करती है इसके ऊपर डिपेंड करके वहां पर डिवीजन होती थी, यानी डिवीजन ऑफ लेबर मार्क ऑफ द अर्बन लाइफ, ये वहां की एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज थी। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अर्बन लाइफ कब होती है, जब वहां पर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होगी प्रॉपरली। उसके बाद हम लोग देखते हैं वहां पर ट्रेड बहुत अच्छी होती थी, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो फ्यूल थी, जो मेटल थी, जो स्टोन थी वो कम फ्रॉम मेनी डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि वहां पर ट्रेड बहुत डेवलप हुई थी। सोचिए फ्रेंड्स उस समय मेसोपोटामिया के समय पर भी वहां पर ट्रेड बहुत ही डेवलप हुई थी, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से क्या क्या आती थी, बहुत सारी फ्यूल आती थी, मेटल्स आती थी, स्टोन्स आती थी, ये सब देख के हम लोगों को पता चलता है कि उस समय मेसोपोटामिया में जो ट्रेड थी वो बहुत ही डेवलप थी। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, एक शहर जो डेवलप होगी उसके लिए और क्या क्या चीज जरूरी होगी, वहां पर जरूरी होगी एक ऑर्गेनाइज ट्रेड स्टोरेज, ये सब नीडेड होगी, यानी कि हम लोग क्या देखें कि जब एक प्रॉपर एक डेवलप अर्बन सिटीज की जरूरत होती है तो वहां पर सिर्फ फूड प्रोडक्शन के ऊपर ही ध्यान नहीं दिया जाता, उसके साथ साथ ट्रेड पर, उसके साथ उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी जो सर्विस है, इस सब के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और हम लोग जब मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पर सब कुछ ही प्रॉपरली डेवलप थी,
प्रॉपरली मेंटेन थी, वहां पर एक डिवीजन ऑफ लेबर मार्क थी, यानी वहां पर जो लेबर काम करती थी उस पर भी एक अलग अलग डिवीजन हुआ करता था। उसके साथ हम लोग देखते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉपरली मेंटेन थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेसोपोटामिया में जो ट्रेड होती थी वो अलग अलग एरिया से यहाँ पर आकर बहुत सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज चलती थी। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि एक प्रॉपर अर्बन सिटी हम लोग किसे कहेंगे, हम लोग कहेंगे एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड स्टोरेज, ये सब फैसिलिटीज जब एक अर्बन एरिया में रहेगी तब हम लोग बोलेंगे ये सब जब एक एरिया में रहेगी तब हम लोग उसे एक अर्बन एरिया बोलेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो मेसोपोटामिया थी वो एक प्रॉपरली अर्बनाइज्ड एरिया थी, क्योंकि इस सब चीज के लिए इसे हम लोग मेसोपोटामिया को एक अर्बनाइज्ड एरिया बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इस टॉपिक को बहुत शॉर्टली आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर मेरी लेक्चर हम खत्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, जाते जाते मैं बोलूंगी आप लोग सब अच्छे से पढ़ो, खुश रहो, और चाहो तो एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, आज हम चलती हूँ, बाय बाय।